इल्मी बाबा ने तो बोला था कि बगदाद में एक सुनसान रास्ता है, लेकिन यार हो सकता है इस दरवाजे के पीछे। यही वो सुरंग है। ये दरवाजा आपको दुनिया कहती थी कि आपकी औलाद एक बेटी नहीं एक बेटा होती तो वो आपको ज्यादा महफूज रखती, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी 100 बेटों पे भारी। आप कहते थे कि हमारी बेटी हमें मौत के मुंह से वापस लेकर आएगी। अब्बू, आज आपकी बात सच साबित करने का वक्त है। आंखें खोलिए अब्बू, अब्बू आंखें खोलिए, उठिए अब्बू, अब्बू अब्बा हुजूर उठिए अब्बू। जिसने भी अब्बू को अगवा किया था वो आ रहा है। उसी तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें अब्बू को कोई महफूज जगह पहुंचाना होगा। काश हमारे पास कोई हथियार होता। अब अंधेरा ही हमारा हथियार बनेगा। मशाल खुद कैसे बुझ गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी भूल का नतीजा है।
तुम्हारा आका और तुम्हारी अम्मी खत्म। अब इन जज्बातों को भूल जाओ। तुम जिसके लिए भी आंसू बहाओगे उनका अंजाम यही होगा। तुम जो कहो कि मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे आका को छोड़ दो। काले चोर के घर में एक खिलौना बन के रह रहा था। तू एक खिलौना नहीं, एक तलवार है, तलवार जो सिर्फ जान लेती है। अब देख कैसी तेरी सोबत के कारण तेरा आका और उसकी अम्मी की जान जाती है। लीजा, तुम भी कमीनी, हम भी कमीने। अगर हमें शहजादी से मोहब्बत नहीं होती, शैतान की कसम हम तुमसे निकाह कर लेते। ये आवाज सिर्फ जिन की हो सकती है। लगता है अलीजा ने जिन के अंदर के शैतान को जगा दिया। जिन का मुकद्दर मोहब्बत नहीं ताकत होती है। अपने अंदर से मोहब्बत निकाल और नफरत भर दे। हथियार बन हथियार। जिन को वो बनाया है जो सारी दुनिया की फौजों पर हावी होगा। वक्त आ चुका है जादुई चिराग और उसके जिन को अपने नए आका से मिलने का। नाज़नीन ने तेरा कहर देख लिया, तेरा कहर। कसम सोने की अशरफियों की सलमा,
आज सुबह से रुखसार के घर में तूफान छाया हुआ है। तूफान बदन की तिनके जैसे अब्बू फुरते हुए आए, हमने रस्सी फेंक कर तो इनकी जान बचाई। ऐसा भयानक मंजर नाजनी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन इतना सब कुछ हो गया पर हमने ना तो कुछ देखा ना सुना। हाय हाय आग लगे सलमा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं, वैसे रुखसार थोड़ी बीमार लग रही है कुछ दिनों से। अभी दो दिन पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अरे तुम हो ही कौन? मेरा मतलब तुम अपनी क्या मिसाल दे रही हो बहन। हम उसके रिश्तेदार, उसके अपने, वो जिन्होंने उसे इस घर में पनाह दी, उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन वो उसने हमसे ऐसे जानवर जैसा सुलूक किया। गुलबदन के अब्बू को वह मेरे साथ क्या किया पता नहीं, कुछ भी बोल ले। ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ खेलते और दौड़ते हैं, इन्हें कुछ हो गया तो बच्चों की खातिर हम रुखसार को यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ, हम यहाँ रुखसार को नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब जब सबको अक्ल आ ही गई है तो देरी किस बात की, जो करना है अभी कर लो। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे, कर लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। अब से तू हमारे हुक्म का गुलाम है।